हेलो गाइस, दिस इज योर बॉय सुब्रत दुबे। वेलकम टू नेक्स्ट ब्लॉग। ब्लॉग में मतलब सुब्रत दुबे ब्लॉग्स। तो भाई आज का सीन है कि हम लोग चल रहे हैं कोचिंग, और बारिश वाला माहौल है कानपुर में, क्योंकि हवाएं बहुत सतर सी चल रही ना, मतलब बहुत तेज़ी से। और माहौल दिखाऊं, देखो है भाई बारिश वाला माहौल, ये देखो बिल्कुल भाई बहुत बारिश सी लग रही है। चलो भाई कोचिंग चल रहे हैं। आज का मौसम जितना खतरनाक है, मजा आ गया भाई मौसम देख के। और कोचिंग की छुट्टी हो गई है, देख सकते हो राघव क्लास से निकल आए हम लोग। मौसम भाई बहुत खतरनाक, देख लो तो यही टक्कर में यार मौसम के मस्त। रोटी सब्जी दाल चलती थी, आज भाई खिचड़ी खिला रहे हैं। गलत बात है भैया, देखा भाई खिचड़ी एक नंबर बनी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई मेरी बाबू ने नहा लिया है, समझे। और कौन नहलाया है उसे, ये बारिश आज भाई मतलब एक अच्छी सी फीलिंग आ रही, गुड एंड वेल बिकॉज ऑफ, क्योंकि मतलब अब पता चल रहा कि भाई कानपुर में ठंड है। वैसे भाई ठंड नहीं, इससे ज़्यादा तो गांव में ठंड होती है, सर्दी इतनी नहीं पड़ती है भाई शहरों में, पता ही नहीं चलता कब। भाई इतने अच्छे से आराम से किसी से बात कर रहा था यार, फिर 4 बज गए, मैंने चलो कोचिंग चलें, लेकिन यार छुट्टी हो गई है, अमन सर ने छुट्टी कर दी और व्हाट्सएप ग्रुप मैंने देखा ही नहीं। अब भाई देखा नहीं तो मैं यहाँ पे आ गया, और देखा तो भाई सर बैठे हैं आराम से, बच्चा कोई है ही नहीं। चलो तो भाई हम लोग चल रहे हैं फिर से कहाँ, रूम पे कुछ काम धंधा करेंगे चल के। भाई सिर्फ बारिश सर तेज़ हो रही, मज़ा आ रहा, लेकिन भाई आज फीलिंग है वेल एंड गुड आ रही, एक नंबर। भाई आज हम लोग घूमने आए हैं यार कारगिल पार्क, इतनी बारिश में, लेकिन बहुत तगड़ा है यार ये मौसम देख के, मुझे ना घूमने का मन करने लगा यार। आज 3 टिकट ले लो भैया, देख लो ये, देख लो शुक्ला जी, मोहित भाई चीता टिकट ले लें भाई, 10 रुपये टिकट है, सब लोग आओ घूमने भाई, बहुत तगड़ा पार्क है, खासियत बताएंगे भैया अंदर चल के। देख लो भाई कारगिल पार्क, आर्मी का, तो आर्मी वालों ने बनवाया, ये एक नंबर है भाई, अंदर चलते हैं। तो भाई हम लोग एंटर कर चुके हैं कारगिल पार्क में, और ये कारगिल पार्क जब मैंने देखा था ना, तो मैंने सोचा ये भाई हुसैन सागर जैसा, मतलब एक थीम पे बना है, बीच में एक लेक होगी और चारों तरफ गार्डन एरिया होगी, और हुसैन सागर में भाई चारों तरफ रोड है, मतलब बीच में झील, ये भी भाई बहुत बढ़िया है, और चारों तरफ गार्डन एरिया है वॉकिंग करने के लिए, बैठने के लिए, फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए, और मस्ती करो भाई, इसमें भाई बोट भी चलती हैं, एक नंबर है। तो भाई जगह जगह ये पॉइंट बने क्या, सेल्फी पॉइंट, आराम से मजे मारो। ओह माय गॉड, इन्हें ठंड नहीं लग रही ओ वादा करने चली गई। और ये जो भाई जगह जगह सेल्फी पॉइंट बने थे ना, ये वहाँ का नाइट व्यू है, मैं आपको सब डिटेल का मतलब पूरा बता दे रहा हूँ, दिन का भी भाई दिखा रहा हूँ भाई सीन, और रात का भी। अब आप लोग भाई कमेंट करके ज़रूर बताना नाइट व्यू अच्छा है या डे व्यू। और भाई कभी कानपुर आना हो तो भाई कारगिल पार्क ज़रूर आना, आर्मी के सम्मानी में आ जाना। और जैसे हम लोग भाई कारगिल पार्क में घुसेंगे ना, तो और राइट साइड आएंगे तो हम लोग को ये विवेकानंद जी की मूर्ति बनेगी। अरे जो सांप सीढ़ी भैया, पहले सांप सीढ़ी चलो खेलो, चलो पासा का उन्हें चीता पासा कहाँ है बोली बात। चलो भाई पहले हम आपको भी विवेकानंद जी के दर्शन कराएंगे, फिर हम लोग कारगिल पार्क में आगे चलते हैं। ये व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन ब्रोस, ओ माय गॉड,
बहुत अच्छा यार, मूर्ति भाई एक नंबर है। हम तो सोचे भाई कोई लोग नहीं होंगे, लेकिन लोग तो हैं। अगर भाई ये नहीं होते तो हम जो मतलब एक अपने में लोअर कास्ट ना, तो वो बहुत पीछे होती। मैंने मतलब इनका एक विकास दिव्य कीर्ति सर ने, उन्होंने बहुत कुछ बताया था, मैंने पूरा पॉडकास्ट उनका देखा। इनकी जयंती पे उन्होंने आए थे और उन्होंने बताए थे, जहाँ इनका जन्म हुआ था ना उसी घर पे गए थे। बोलो मनाते हैं भाई उनकी जयंती, हम लोग भी मनाते हैं वैसे। एक नंबर सीन है, हम लोग दिखाते हैं व्यू। ओ माई गॉड, ये भाई व्यू देख लो पहले। ओ जिंदगी का गुजारा तेरे बिन नहीं होना, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन ब्रो। एक नंबर है भाई, एक नंबर। ये लो भाई चीता, तू भीग जाएगा, तुझे पानी से डर लगता है। गोली मत दे। बोटिंग और होता यार, चलो बोटिंग करें, चले भाई। हाँ भाई, बस वीडियो बना लूँ फिर भी फोटो खींचेंगे भाई। सीन एक नंबर है यार। ओ माय गॉड, भाई बताओ यार फोन दे। अच्छा नहीं है, एक नंबर पार्क भाई, एक नंबर। हाँ व्यू बताओ यहाँ भाई, कितना मस्त है, लेक है यार एक पूरी। ओ माय गॉड, चलो भाई अब हम लोग आगे चलते हैं यार। विवेकानंद जी के तो दर्शन हो गए और यहाँ से भाई व्यू भी देख लिया। बहुत अच्छी अच्छी जगह यार इस पार्क में, एक नंबर। ये व्यू तो भाई माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लो तो भाई यहाँ का नाइट व्यू दिखाते हैं आपको। ये है भाई नाइट व्यू, पूरी लेक का भाई जो नाइट व्यू आ रहा है ना, एक नंबर है। ये लेक भाई मैं सोच रहा हूँ बनी कैसे होगी वैसे, मतलब एक आम जगह पर लेक बन कैसे जाती है, ये नहीं समझ आता मुझे। एनिमल पार्क आइए, चीता चीता देख आगे, बहुत एक शेर, जल्दी जा। कहाँ जा रहे चीता, अपने दोस्त से मिले आ जा। ये देखो भाई झूले झूले वगैरह सब है यार। ये पेड़ भाई मस्त है, एक नंबर। तो भाई शेर, चिंपांजी, घोड़ा, चीता कहाँ यार, मेढक सब है भाई। झूला झूलियो, झूला झूल लो भाई। ये सब मतलब इधर सिर्फ पार्किंग एरिया है मस्त सा। वो भाई हाथी, बहुत अच्छे अच्छे सीन है यार इधर। अभी एक रेस्टोरेंट दिखाऊँ ना, वो तो एक नंबर है। हाँ कारगिल पार्क, मोती झील के सिर्फ जैसे ही मोती झील जाओगे ना, उसके पास ही पड़ जाएगा ये लोकेशन, मस्त सीन। इधर देखो भाई व्यू वगैरह दिखाओ, एक नंबर है। और बारिश के मौसम में आज हमने ये पूरा प्लान बनाया, बहुत तगड़ा है यार। बारिश के मौसम में तो एक नंबर लग रहा है यहाँ पे, जो बस थोड़ा सा अंधेरा है और तो सब एक नंबर है। फिर अंधेरा है फिर। एक तो भाई तुम इधर आओगे ना तो तुम्हें बहुत सी चीज़ें दिखेंगी, मतलब जो चिड़ियों का साउंड, चिड़िया का भाई सुबह सुबह आओ तो बहुत अच्छा लगेगा। चहचहाट, हाँ बुला जी ने सही बताई, गांव वालों। और उसके बाद इधर मैन मेड जिम वगैरह भी है, आप लोग आओ एक्सरसाइज वगैरह करो सब है यार। एक नंबर पार्क है वैसे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये पार्क, आप लोग भी आओ तो अच्छा रहेगा। कारगिल पार्क कानपुर नगर निगम में, एक नंबर। और इधर ये भाई, ये जोन भाई बंद रहता है, यहाँ पे एक ऋषि मुनि की भाई मूर्ति वगैरह है और कुछ नहीं है। चीता, चीता के साथ कौन है जी, श्याम पाल और चीता रनिंग कर रहे हैं। ये भाई यहाँ से व्यू देखो भाई, एक नंबर है भाई, एक नंबर व्यू। ये देखो भाई व्यू यार, एक नंबर है। ये देखो लोग, व्यू पॉइंट है यहाँ से भाई, मतलब व्यू पॉइंट किधर का है, इधर का खींचो भाई, इधर खड़े होके ये व्यू पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, यहाँ से मस्त फोटो आएगी, एक नंबर। तो भाई ये अपनी लेफ्ट साइड है यार, इधर भी पार्किंग एरिया और बीच में झील, यही सब है। और इधर मतलब बैठने के लिए व्यवस्था है, सब लोग आओ, फैमिली पार्क है भाई ये, ऐसे समझ सकते हो, फैमिली लवर सब पार्क है। अब भाई सिक्योरिटी वगैरह भी है, देखो आर्मी वाले भैया हैं जैन साहब, सिक्योरिटी वगैरह लगी रहती है, कोई गलत काम ना कर पाए इसलिए, लेकिन तब भी कुछ हरामखोर कर लेते हैं। एक नंबर वाइसिन है।
पार्क है भाई कारगिल यार। आर्मी की भाई कहीं भी जाओगे ना, अगर जो कोई आर्मी जगह है तो साफ सुथरी एक नंबर रहेगी। अपना भाई सैंपल भी अभी CDS में भाई भर्ती होके एक अच्छा सा पार्क बनवाएगा। क्यों भाई क्या नाम रखवाए हो? हैं सैंपल पार्क, सैंपल पार्क। ये भाई रिलैक्सेशन एरिया है, आराम से इधर योगा वगैरह करो मस्त से। और सबसे अच्छी चीज़ आई है भाई वन, मतलब ये दो जो चीज़ है ना वो सबसे अच्छी चीज़ है। एक तो ये, एक तो भाई ये वाली यहाँ पे भाई बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आराम से आओगे योगा वगैरह करके बैठो, वो देखो पूरा वो ना स्टेज यहाँ पे करो बैठो। ये देखो भाई एक नंबर और चीज़ मिल गई। ये क्या है जो? तो यार हमें नहीं पता कहाँ है जो। शुक्ला जी नर्सरी है कहाँ जा? लेकिन यार क्यारी बनी है, धनिया मिर्च के लाए। अब भाई सबसे अच्छी चीज़ आने वाली क्या? रेस्टोरेंट मॉकटेल और कॉकटेल मिलती है यहाँ पे। जे ही भाई वो रेस्टोरेंट है। हम लोग को खिलाएगा पिलाएगा, क्या खाएगा? हम कुछ भी खा लेंगे, मैगी सैगी कुछ भी। चीता तो चाय पीता है बस। चीता चाय नहीं पीता। ये देखो भाई ए, चलो झूला झूलने यार, बचपन की याद है गेली कर ले। ये भाई झूले वगैरह भी बच्चों के लिए मस्त से अनिवार्य है। और यहाँ पे आके भाई आप बोटिंग का भी मजा उठा सकते हो, लेकिन अभी बंद है क्योंकि अभी बोटिंग कराएंगे तो पानी में बोट जाएगा तो हम ही लोग डूब जाएंगे। बात तो जा है, बोटिंग होती है वैसे यहाँ पे, वहाँ से टिकट मिलेगी, आप लोग बोटिंग करो मस्त सा एक नंबर। तो अब हम लोग आ गए कहाँ भाई? रेस्टोरेंट में। लेकिन आज भाई सारी लाइटें बंद हैं क्योंकि भाई बारिश इतनी तेज हो रही है। लेकिन मेरे पास भाई एक वीडियो है जिसमें भाई पूरी लाइटिंग है, उसे मैं अभी डालूंगा, वो आप लोग देखना अच्छे से मस्त। तो अंदर भाई कॉकटेल कौन पिलाएगा? मॉकटेल वही अंदर चले। चलो भाई, लेकिन भाई आप लोगों से मैं ये वादा करता हूँ मेरी बर्थडे पार्टी आपको यहीं पे मिलेगी। ये भाई रेस्टोरेंट है एक नंबर। चलो अब मैं आपको भाई नाइट व्यू दिखाऊंगा उसी रेस्टोरेंट का जो मैंने अभी पहले वीडियो में दिखाई थी। मेरे पास एक वीडियो है भाई, नाइट व्यू देखो भाई एक नंबर है। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, मुझे बाहर से देखने में डेकोरेशन तो बहुत अच्छी लगी। भाई यार ये जो फूड कोर्ट है ना भाई बहुत अच्छा है एक नंबर, बाहर से तो देखने में एक नंबर है लेकिन भाई कुछ खाया नहीं है। शुक्ला जी ने कुछ खिलाओ है ना, ही तो भाई खिला देंगे, खिला देंगे। कब खिलाया भाई? देखो सबसे अंधेरी रात, सबसे अंधेरा जगह भाई यहीं पे है। वैसे यहाँ पे अंधेरा रहता ही है, चाहे यहाँ पे कितनी भी लाइट जले। हटो यार देखने दो पूरी, देखो भाई बिल्कुल पूरी अंधेरी जगह यही है। ये देखो भाई सीन बहुत तगड़ा है यहाँ। चिल्लाना अब आइए एक नंबर व्यू। तो भाई जैसा कि तुम्हें पता है अंधेरा वगैरह हो गया है और हम लोग भी चल रहे हैं, निकल रहे कारगिल पार्क। ऐसा ही है, एक बार फिर आऊँगा ब्लॉग बनाने 24/7, क्योंकि अभी रात भी हो गई, मौसम अच्छा था तो हम लोग घूमने के लिए निकला है, ब्लॉग बनाने के लिए नहीं। वैसे तब भी अच्छा तो है यार। इनिशिएटिव ऑफ कानपुर स्मार्ट सिटी, गुड, मतलब अच्छा पार्क है। चौबे साथ आऊँगा तो बोटिंग वगैरह सब करूँगा एक नंबर अच्छे से। अभी लाइट वगैरह नहीं जाती क्योंकि बारिश हो रही है, तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। रामपाल और श्यामपाल और चीता को ढूंढने हम लोग कहाँ गए, बाहर सारे जी जल्दी नहीं करिए। श्यामपाल रामपाल देखो है ना। चलो भाई स्कूटी कहाँ गई हुई है? अरे तो यार देख ले साले, वह जाएगी ऊपर बैठक जाइए आराम से और पैदल चल। ये सुबगत दो ब्लॉग्स भाई, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। ये आ गए यार, थोड़ा भीग भाग गए और कुछ नहीं, मस्त हैं एक नंबर। क्या खाने? बर्गर खाने और बस बस। तो भाई खिला कौन रहा है? सुब्रत भाई। चीता के लाएगा भाई यार, चीता चीता भाई का भट्टा बैठ गया। सुब्रत भाई या तो भाई श्यामपाल खिलाएगा या तो चीता खिलाएगा।
श्यामपाल भाई के पास। जगतपाल कहाँ है आपके दोस्त? श्यामपाल भाई कल शॉपिंग भी करे भाई। श्यामपाल घर पे शादी है, घर पे मतलब नानी घर पे शादी है, तभी भाई पार्टी दे रहे उसकी। और चीता, चीता तू जाएगा? अभी तो भाई उसको कुछ कंफर्म नहीं है। चलो भाई, पर ये नहीं जा रहा इतना कंफर्म बहुत तो जा रहा भाई। कल भाई शॉपिंग करे यार, श्यामपाल क्या लोगे आप? थ्री पीस मान्यवर विराट कोहली से लियो भाई के घर चले जाओ लेने। चलो भाई बर्गर बन लो या नहीं। तो भाई घर पे आ गए और चाय बिस्कुट का नाश्ता कराए मोहित। चीता चलो भाई बिस्कुट हो जाए चाय के साथ। भारत माता की जय।